हेलो नमस्कार, आज हम देखेंगे कि न्यू मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कैसे बनाया है ना। इसके लिए मैंने ये बनाना लिया है, ये केले हैं और ये चिक्कल पड़े हैं ना, ये कप्पा के चिक्कल पड़े हुए हैं, ये मैंने छील लिया है। तो ये बनाना है, एत्तपड़म बोलते हैं जिसको, ये है ना बड़ा केला होता है और ये हर जगह अवेलेबल है। और ये है ना कप्पा है, जिसका साबुदाना बनता है ना उसका रॉ मटेरियल है ये कप्पा। इसकी जगह आप शिकरकंदी भी ले सकते हैं और केले के चार पीस करके इडली के पॉट में नीचे हम शिकरकंदी, कप्पा या बीटरूट रख सकते हैं और ऊपर केले रख सकते हैं। तो ये मैंने रख दिए हैं, ये देखिए। और है ना साथ में हम देख लेते हैं इसकी चटनी बना लेते हैं। ये इंस्टेंट कुकिंग है, ये दो प्याज लिया है, थोड़ा सा अदरक है, हरी मिर्ची है और धनिया और पुदीना है, और आप कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं क्योंकि हम हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है ना। थोड़ा सा नमक डालेंगे और हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, है ना। ये दो मिनट में हमारी चटनी रेडी है। थोड़ा सा है ना क्रश रहेगा इसमें, दाने दाने रहेंगे, ये देखिए। ज़्यादा फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है क्योंकि है ना हमें फाइबर चाहिए, है ना। तो इसमें फुल ऑफ फाइबर है। चटनी हमारी रेडी है, आप कप्पा को देख लेते हैं। और केला है ये बनाना, बड़ा वाला केला है जी, स्टीम करके बहुत अच्छा टेस्ट देता है और बहुत हेल्दी होता है, है ना। तो ये हमारे केला भी हो गए हैं और हमारा ये कप्पा भी हो गया है, ये देखिए। ये बॉईल करना है हल्दी और नमक डाल के जस्ट, ये देखिए ये रेडी हो गए हैं दोनों। एक ही इडली के पॉट में हमारी दोनों चीज़ रेडी हैं, तो कुछ ही मिनटों में हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, ये देखिए। खाली हमने बॉईल किया है और हेल्दी ब्रेकफास्ट है, है ना। इसको आप चटनी से खा लीजिए, शकरकंदी है, कप्पा है, आलू है और ये लंबे वाले बड़े वाले केले हैं, इनका बॉईल करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये देखिए। बॉईल करते हैं तो इसका टेस्ट है ना पीला हो जाता है, डार्क पीला। इसमें हल्दी नहीं डाली है मैंने, हल्दी खाली कप्पे में डाली है, ये देखिए। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है, ये देखिए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और चटनी में सारी ग्रीन वेजिटेबल्स भी आ गई है और फ्राई भी नहीं, और इंस्टेंट कुकिंग है। तो हमारा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट ये रेडी है कुछ ही मिनटों में। अब एक दूसरा देख लेते हैं, ये डोसा बैटर है, आजकल तो हर जगह अवेलेबल है। मेरा ये होममेड है ना, तो ये रात में ला के रख सकते हैं और मॉर्निंग में तवा गर्म किया, ग्रीस किया और इसको है ना बस केवल मोटा डोसा फैलाना है, नीर डोसा बोलते हैं इसे, ये देखिए, है ना। कुछ ही मिनटों में हमारा ब्रेकफास्ट है ना रेडी हो जाता है इससे, है ना। रात में अगर हम घर में ला के रख लेते हैं डोसा बैटर है, या एक दिन पहले भी बना सकते हैं। तो ये तो मेरा घर का है, होममेड है और मैं है ना फ्रिज में बना के रखती हूँ, तो ये वन वीक तक है ना ये आराम से चल जाता है, है ना। एक दूसरे दिन आप डोसा खा लीजिए, चटनी फ्रिज में रख सकते हैं रात में बना के, और सुबह हम इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आजकल तो मार्केट में भी अवेलेबल हैं चटनियाँ। ये मेरी तो होममेड है, ये देखिए। थोड़े ही ऑयल डालना है हमें, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ये देखिए। इडली और डोसे के बीच का ये वर्सन है, ये देखिए, है ना। उत्पम भी नहीं है, नीर डोसा बोलते हैं, मोटा डोसा। इसको डबल साइड सेकते हैं, एक साइड और दूसरी साइड। ये हमारा डोसा बन के रेडी है, ये देखिए। दोनों डोसे हमारे रेडी हैं कुछ ही मिनटों में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, है ना। चटनी रात में फ्रिज में बना के रख सकते हैं, नहीं तो सुबह भी चटनी हम बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम बघार नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा। और सांभर तो एक दो दिन का चल जाता है, फ्रिज में रखा रहता है, ये खट्टा होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।